सोनी लिव पर रिलीज हुआ शो महारानी जाति पे पॉलिटिक्स से शुरू होता है और सच्चाई की जीत के साथ खत्म होता है, पर जाते आते सीजन 2 की एक हिंट भी दिया जाता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं महारानी के बारे में और आपको बताता हूँ कि शो में क्या क्या हुआ और अगले सीजन में क्या होने वाला होगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। शो में पिछड़ी जाति के सीएम होते हैं भीमा भारती और उन्हीं के पार्टी में होते हैं ऊंची जाति के नवीन, जो कि किसी भी तरह सीएम बनना चाहते हैं। गौरीशंकर पांडे उर्फ काला नाग भी एक मंत्री और पार्टी प्रमुख होते हैं जिनकी नजर भी कुर्सी पर होती है। एक दिन छठ पूजा के दौरान भीमा बाबू पे गोली चल जाती है, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है तो पार्टी री इलेक्शन करने को कहता है। फिर पॉलिटिक्स शुरू होती है और काला नाग भीमा बाबू को अपने 8 वोट के साथ सपोर्ट करता है और फिर भीमा बाबू अपनी पत्नी रानी भारती को मुख्यमंत्री के लिए उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। फिर रानी को बहुत दिक्कत होती है ये सब पहले अपनाने में और उधर नवीन जी पार्टी ही छोड़ देते हैं और इधर काला नाग को भी पार्टी प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिला दिया जाता है। अब इधर मिश्रा जी काले नाग से पूछते हैं कि सीएम पर गोली किसने चलवाई। जिन शूटर्स ने सीएम को हमला किया था उन्हें वीर सिन्हा ने अपने पास रखा था और फिर पुलिस को दे दिया था और फिर उनका एनकाउंटर करवा दिया जाता है। और अब वीर सेना के प्रमुख मुखिया जी एक पूरा गांव ही निपटा देते हैं। उसके बाद रानी पुलिस को 13 दिन का टाइम देती है मुखिया जी को पकड़ने का और एक अंडरकवर मिशन डीजीपी स्टार्ट करवा देता है। अब मुखिया का राइट हैंड कुंवर पकड़ा जाता है और इधर रानी आलम के साथ मिलकर सभी विभाग की ट्रेजरी को इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं और घोटाले की जांच करते हुए उन्हें पता लगता है कि लगभग 900 करोड़ का घोटाला हुआ है और वो भी पशुपालन विभाग से। और इन सब का कनेक्शन महामहिम तक पहुंच जाता है जो कि गवर्नर है और अब पता चलता है कि काला नाग के पीछे डीजीपी और मुखिया जी पड़ चुके हैं, जो एक बाबा के पास जाता है जिसका नाम होता है मचान बाबा। अब बात प्रेम कुमार तक पहुंच जाती है जो कि पशुपालन मंत्री हैं और उसे निकाला भी नहीं जा सकता क्योंकि वो एक कुर्सी के पाया है। पर नवीन सीएम से मीटिंग करके उसे गिराने की बात करता है और प्रेम कुमार को बर्खास्त करवा देता है। तो वहीं एक दूसरी तरफ मुखिया को पकड़ने के चक्कर में एक पुलिस वाली भी मारी जाती हैं जो कमांडर के लिए भी काम करती हैं। और इधर प्रेम कुमार नवीन के साथ मिल जाता है और नवीन रानी को बेवकूफ बना देता है। अब हमें पता चलता है कि भीमा पे जिसने गोली चलाई थी उसका नाम मुकुंद बिहारी शर्मा है, मतलब मचान बाबा। अब भीमा महामहिम से मिलने जाता है और उनसे ये पूछता है कि उसने उन पर गोली क्यों चलवाई, क्योंकि वो भी इसमें मिले हुए होते हैं। अब भीमा अपनी कुर्सी फिर से लेना चाहता है और इधर घोटाले भी मचान बाबा तक कनेक्ट कर दिया जाता है और जिसमें गवर्नर का भी कनेक्शन मिल जाता है। और उधर जहां नवीन अपनी खुशी मना रहा होता है तो इधर पलटी मार देती है और भीमा की साइड आती है। अब थोड़ा फ्लैशबैक चलता है और पता चलता है कि भीमा सीएम कैसे बना और इसमें मेन खेल होता है महामहिम का और वो रानी को भीमा की सच्चाई बता देता है। और अब ये पता चलता है कि भीमा ने ही घोटाला करवाया था और वीरेंद्र ठाकुर को भी मरवाया था। पर इधर प्रेम की वजह से मिश्रा जी भी पकड़े जाते हैं इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा। नवीन अब सरकार गिराने के लिए तैयार हो जाता है और लास्ट एपिसोड में बहुमत साबित करने के लिए 24 घंटे मिलते हैं रानी सरकार को। अब हमको भीमा की साइड भी पता चलता है कि उसने वीरेंद्र को क्यों मरवाया था। भीमा ने शंकर को मुखिया के खिलाफ खड़ा करवा दिया था और उसके बाद जाति हिंसा शुरू हो गई थी और वीरेंद्र को भी इसी में उसने मरवा दिया था, जिससे मुखिया पर डायरेक्ट चोट पहुंची थी। ये सब सच सुनने के बाद रानी इस्तीफा देने से मना कर देती है और अब शुरू होता है पॉलिटिक्स और दाना घोटाले के खुलासा होता है और प्रेम को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और फिर रानी भीमा को भी दाना घोटाले में गिरफ्तार करवा देती है। और इसके बाद फिर से नवीन का कट जाता है और रानी को बहुमत मिल जाती है। नवीन ने जो 13 विधायक रानी को दिए थे उसी की वजह से रानी को बहुमत मिल जाती है और दाना घोटाले और भीमा पे हमले के लिए मचान बाबा को भी पकड़ लिया जाता है और फिर मुखिया जी भी पकड़े जाते हैं। अब लास्ट में
रानी भीमा से कुछ महीनों बाद जेल मिलने जाती है और वहाँ पे एक हिंट मिल जाता है सीजन 2 का। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या दर्शाता है। जेल के ताले टूटेंगे, भीमा भारती छूटेंगे। इस डायलॉग और नारे के साथ भीमा अपने वापस आने के ऐलान कर देता है और सीजन 2 के लिए एक प्लॉट भी रख देता है। जैसा कि हमें पता है कि भीमा बहुत ही मास्टरमाइंड है पॉलिटिक्स में और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पॉलिटिक्स खेलता है, तो वहीं रानी सच्चाई के दम पे पॉलिटिक्स खेलती हैं, जो कि हमको पता है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। तो ये नेक्स्ट सीजन का मेन प्लॉट हो सकता है। ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि अगले सीजन में कि पति अपनी पत्नी के खिलाफ खड़ा होता है और कैसे पॉलिटिक्स चलेगी। और एक बात यहाँ पे और आप ध्यान देंगे तो महामहिम जो गवर्नर हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो इतने बड़े मास्टरमाइंड हैं जो अभी बचे हुए हैं, सो बिहार की पॉलिटिक्स में उनका अभी हाथ आगे जरूर रहेगा, जैसे कि चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने जाते हुए ये ज़रूर कहा कि नवीन की वजह से वो भी डूब गए हैं। क्या वो पूरा डूबे हैं ये सीज़न 2 में ही पता चलेगा, क्योंकि उनको पुलिस के द्वारा पकड़ाते हुए नहीं दिखा गया है, तो अभी ये डाउटफुल है। और उनके भांजे नवीन तो होंगे ही अगले सीज़न में, क्योंकि फिर से वो ऐसी गलतियाँ करेंगे और फिर से कटवाएंगे। सो यही सब था जो था शो में। और आपको कैसा लगा ये शो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है ये भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।